भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। आपको बता दें कि सुपर चार के मैच में अफगानिस्तान और भारत के बीच मैच टाई हो गया। बता दें आपको कि अफगानिस्तान के कप्तान असगर अफगान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ 252 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में भारतीय टीम भी 252 रनों पर ऑल आउट हो गई और ये मुकाबला टाई हो गया। हालांकि अफगानिस्तान के लिए भारत जैसी टीम के खिलाफ टाई मैच खेलना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इस मैच में जीत के सूत्रधार रहे अफगान के ओपनिंग बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद। जी हाँ, अफगानिस्तान के MS ने ये बता दिया कि किस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। शुरुआत से ही वो गेंदबाजियों पर हावी थे और उन्होंने नाबाद शतकीय साझेदारी खेली। आपको बता दें कि मोहम्मद शहजाद ने 124 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 116 गेंदे ली और जानदार छक्कों के साथ अपनी टीम को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। बता दें आपको कि दुबई में 250 प्लस का स्कोर काफी ज्यादा अहम होता है और काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम 250 के लक्ष्य तक तो पहुंच गई, लेकिन महज 252 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।